आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड, आप एयरटेल पेमेंट का बीसी एजेंट कैसे बन सकते हो, वो बिल्कुल फ्री में। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, आप एयरटेल का बीसी एजेंट कैसे बन सकते हैं और कौन सा आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर डालना है और किस प्रकार आपको पूरा प्रोसेस रहता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं आपको एयरटेल का बीसी एजेंट बनने के लिए। मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। प्ले स्टोर से अगर अभी तक आपने मित्रा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो आप यहाँ से एयरटेल पेमेंट का मित्रा ऐप को आप इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने फिर आप इसे ओपन करें तो यहाँ से आपको कुछ परमिशन मांगेगा, परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ करने फिर आपको यहाँ से लापू नंबर मांगे तो आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको इस लेफ्ट साइड में आपको इसे स्क्रॉल कर देना है इस प्रकार से। जैसे फिर आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ से एयरटेल पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये फिर आपको यहाँ से बीच आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेंटर में, आपको एयरटेल पेमेंट का ऑफिस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। आप यहाँ से स्क्रॉल नहीं करते हैं तो फिर एक यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है बी एन एजेंट का, तो आपको बी एन एजेंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ से बी एन एजेंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, क्लिक करने पर फ्रेंड आपके यहाँ से रिटेलर का नंबर नहीं, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन में क्लिक करके ओटीपी मंगाना, फिर ओटीपी को पुट करके आपको इसे प्रोसीड कर देना है। अगर फ्रेंड आपके पास ओटीपी नहीं तो यहाँ से रिसेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप ओटीपी को दोबारा मंगा सकते हैं। चलिए हम नंबर डाल के ओटीपी डाल के फिर प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड कर देना फ्रेंड आपके सामने कुछ प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आपको कुछ टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। आपको अपना आधार कार्ड का नंबर, फिर वर्चुअल आईडी, आप यहाँ से कार्ड का नंबर भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिर आपको इसे अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है अगर है तो, फिर आप ओके सी थंब को यहाँ से आपको थंबनेल वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप इसे थंब को लगा देना है। इसके लिए फ्रेंड आपको जो भी डिवाइस होगी, चाहे मार्को या फिर मंत्रा होगी, इसका भी आपको आरडी सर्विस ऐप्स का इंस्टॉल कर लेना है। फिर अपने डिवाइस को आपको कनेक्ट कर लेना, फिर आपको यहाँ से अपना थंब को यहाँ से वेरीफाई करा देना है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से अपने थंबनेल को वेरीफाई करें तो आपके यहाँ से पूरे आधार कार्ड से पूरी डिटेल को यहाँ से यहाँ से मैच कर लेगा, जिसमें आपको ऑनबोर्डिंग का पूरा डिटेल आ जाएगी। यहाँ से आपका नेम रहेगा, आपका जेंडर रहेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ से पूरी जानकारी। फिर आपको अपने यहाँ से ईमेल आईडी डाल देना, जो भी ईमेल आईडी आप डालना है ईमेल आईडी डाल देंगे एक। फिर आपको यहाँ से अपनी लैंग्वेज चूज कर लेनी, आपकी लैंग्वेज क्या है। फिर आप यहाँ से टाइप ऑफ चूज कर लेंगे, क्या इंडिविजुअल है, आपकी कंपनी, जो भी आप यहाँ चूज कर लेंगे। एक चीज़ याद रखें फ्रेंड, जो भी आपके शॉप का नाम है तो अपने शॉप के नेम क्या, जैसे आप अपने नाम को आगे लगाना चाहते तो अपने नाम के आगे यहाँ से ग्राहक सेवा केंद्र जरूर यहाँ से जोड़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम से सचिन है तो आप यहाँ सचिन ग्राहक सेवा केंद्र रख सकते हैं, या फिर डिजिटल ग्राहक सेवा केंद्र, कुछ भी आप यहाँ से नाम से रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए फ्रेंड आपके यहाँ से ग्राहक सेवा केंद्र लास्ट में जरूर जोड़ें। फिर आपके यहाँ से अपनी शॉप का एड्रेस आ जाता है। फ्रेंड एक चीज़ आप कंफर्म करिए, अगर यूपीएस है तभी आपके यहाँ से अपना फ्री में आप यहाँ से इसका बीसी आईडी आपको मिल सकती है एयरटेल पेमेंट बैंक की। तो आप यहाँ पूरा डिटेल फिल कर देंगे, पिन कोड डाल देंगे, फिर आपके यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। फिर इसके बाद फ्रेंड आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मांगेगा, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मैं आपको जो दे रहा हूँ यहाँ से आपको ये स्क्रीन पे आप डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर यही डालें। ये नंबर फ्रेंड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से नंबर को भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड आप ये नंबर 9129417701 ये नंबर अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नंबर में आपको यहाँ से डाल देना, आपको इंटर नंबर डिस्ट्रीब्यूटर मोबाइल नंबर आया था इसे नंबर का फिर से डाल देना है। ये नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करके सबमिट कर देना है। फिर फ्रेंड आपके यहाँ से अनबोर्डिंग पूरी डिटेल आ जाएगी, यहाँ से आपको नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड का नंबर, शॉप का नाम, ऐसे पूरी डिटेल फिर से मैच कर लेना है। फिर वेरीफाई डिटेल ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फिर आप इस पर इसके बाद आपको टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। फिंगर वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपने फिंगर को एक बार फिर से आप यहाँ से लगा देंगे, जैसे फिंगर आप यहाँ से आएंगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगा। आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फिर फ्रेंड जैसे आप यहाँ से प्रोसीड कर दें तो आप देखते आ जाएगा कंग्रेचुलेसन योर रजिस्टर्ड या रिटेलर, आप यहाँ से योर प्रोफाइल अंडर प्रोसीड हो चुकी है, प्रोफाइल आपकी अंडर प्रोसीड हो चुकी है। आपके पास यहाँ से SMS भी आ जाता है। फिर आपके होम वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपसे बैक आ जाना है। इसके बाद फ्रेंड आपको फिर यहाँ से बैक आ जाना है। फिर आपको यहाँ से लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ से लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक कर दें, एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से फर्स्ट टाइम यूजर का, तो आपको यहाँ से फ्रेंड फर्स्ट टाइम यूजर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फिर आपको अपना नंबर डाल देना, फिर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। यहाँ से जैसे फ्रेंड आप जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन में क्लिक करें तो आपके अपने ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी को आपको यहाँ से पुट कर देना है। फिर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना, जो भी आप पासवर्ड आ रहे हैं पासवर्ड क्रिएट करना, आपको पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। फिर इस क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपको पासवर्ड को क्रिएट कर देना है।
जैसे आप यहाँ से फ्रेंड क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करें तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ओपन बैंक अकाउंट कर सकते हैं, कैश को विड्रॉ कर सकते हैं, मनी को सेंड कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, आधार इनेबल पेमेंट करने की भी सुविधा आपको यहाँ से मिल जाती है, बाय शॉप इंश्योरेंस कर सकते हैं, कैश का डिपॉजिट रिचार्ज, बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती है जो आप यहाँ से अपने कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड अपने यहाँ से बीसी एजेंट क्रिएट कर सकते हो कि एयरटेल पेमेंट अपने यहाँ से बीसी एजेंट बन सकते हैं बहुत ही आसानी से आप यहाँ से सिर्फ 2 मिनट में। तो फ्रेंड ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे आप यहाँ से एयरटेल बैंक का बीसी एजेंट बन सकते हो, मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा आपको मैंने कोई डाउट है तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं दोस्तों, जैसे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश जरूर करता हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर करें ताकि वो अपने अगर बीसी एजेंट बनना चाहे तो भी अपना बीसी एजेंट बन सकते हैं।